आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे सामने है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्कूल में आधे छात्र जो हैं वो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 1/19 छात्र जो हैं वो शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी करते हैं। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए, इसको हल करने का एकमात्र तरीका, जो सबसे आसान तरीका है, वो ये है कि एक हम पर्टिकुलर नंबर मान लें, एक संख्या मान लेते हैं और उसी संख्या के हिसाब से, और ये संख्या जो हम मानेंगे ये वो होनी चाहिए कि जो 1/4 छात्र, जैसे इन्होंने कहा है 1/8 छात्र का है और 1/19 छात्र का है, तो हम इनका अगर लेस है निकालें तो वो लेस है इस संख्या को विभाजित करना चाहिए, वो संख्या ये होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे इन्होंने ये लिखी है, जो इन्होंने एक छोटा सा हिंट हमें दिया है कि वॉलीबॉल जो छात्र खेलते हैं वो उनकी संख्या कितनी है, 160 उनकी संख्या है। तो अब अगर हम यहाँ से समझें तो हम ये कर सकते हैं कि हम 160 को, यानी कि जो वॉलीबॉल खेलते हैं उनका जो एक परसेंटेज है वो 1/4 है, और 1/4 कितना परसेंट होता है, 100 पे 25 होता है। तो हम ये कर सकते हैं कि x का 25%, ये x जो है, x हमें नहीं पता, x से हमने ये माना है कि टोटल जो छात्र हैं, कुल छात्र कितने हैं, उनमें से उसका 25% जो है वो 160 है, ठीक है। क्योंकि 160 और 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/4 जो होता है वो 25% होता है, तो इस तरह से हमने ये रखा है। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो 25 से 4 बार कट जाएगा और जो इसका मान निकल कर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0, और 16 की 4 में गुणा करेंगे तो 64, ठीक है। तो x का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 640। लेकिन अब अगर हम इससे सॉल्व करने बैठ जाएं, इससे हल करने लगे, तो जो हमें निकालना है, किसका निकालना है, हमें शतरंज की खिलाड़ी हमें निकालना है, और शतरंज के जो खिलाड़ी का इन्होंने एक मान दिया है वो 1/19 दिया है, तो 19 को अगर हम देखें तो वो 640 को भाग नहीं करता। तो ये यहाँ से हल तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसको हल करना, और दशमलव में जो हमारी संख्या आएंगी हमें उनको हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे एक आसान तरीका ये है, ये भी है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन बैठेगा। जो आसान तरीका है ये वाली संख्या मानने वाला। अब अगर हम इसको देखें, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि वो संख्या मानी जानी चाहिए जो 1/4, 1/8 और 1/19 का लेस हो और इनको काट सके, ये इन संख्या को काट सके, तो वो संख्या जो होगी वो होगी 1520, ठीक है। अब 1520 में अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ कहा है कि आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, तो इसका आधे छात्र कितने बैठेंगे हमारे, 760 बैठेंगे। तो 760 जो खेलते हैं ये बैडमिंटन वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे, इन्होंने एक आगे लाइन लिखी है कि 1/4 छात्र जो है, ये लिखा हुआ, ये वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 1520 का जो 1/4 बैठेगा वो बैठेगा 380। ये क्या खेलते हैं, ये वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस वाले जो खिलाड़ी होंगे वो जो बैठेगा इसका 1/1520 का 1/8 हमें बैठाना है, ये आएगा 190। ये क्या बैठेगा, टेनिस वाले खिलाड़ी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे लिखा है 1/19 शतरंज खेलते हैं, जो कि इन्होंने हमसे पूछा है, और 1520 को 1/19 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा 80, ठीक है। तो 80 कितने हो गए, शतरंज खेलने वाले हो गए। अब एक बचा कि बाकी जो है वो बाकी तैराकी करते हैं, तो जो तैराकी वाले निकल कर आएंगे, जब हम इन सबको जोड़ के 1520 में से घटा देंगे तो वो हमें तैराकी वाले मिल जाएंगे, और वो मिलेंगे 110 जो कि तैराकी करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि शतरंज वाले खिलाड़ी कितने हो गए, तो वो 80 खिलाड़ी इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।